नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिन दहाड़े बीच सड़क पर युवती को तलवारों से काट डाला। पंजाब में गुरुद्वारे के सामने हुई वारदात का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सहेलियों के संग ऑफिस जा रही थी मृतका। आपको बताते चले, पंजाब के मोहाली में तलवारों से मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। घटना शहर के फेज 5 में स्थित गुरुद्वारा के सामने की है। उक्त युवती अपने 2 सहेलियों के साथ ड्यूटी करने के लिए दफ्तर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारा नकाब पहनकर आया था। युवती को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद क्षेत्र में काफ़ी तनाव का माहौल है। मृतका फेज 5 में ही एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। शनिवार 8 जून 2024 की सुबह वो ऑफिस जा रही थी। उसकी पहचान बलजिंदर कौर के रूप में हुई है। हत्या के समय सुबह के 9:30 बज रहे थे। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है, उसे मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया। हत्यारा सुखचैन सिंह समराला का रहने वाला है, वो वहीं पर एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। वहीं बलजिंदर कौर फतेहगढ़ साहिब के फतेहपुर जट्टा गांव की रहने वाली है। वो 9 वर्षों से मोहाली में ही काम कर रही थी और यहीं रह रही थी। वो प्रतिदिन अप डाउन करती थी। उसके पिता ने उसे बस में बैठाया था। मृतका के भाई ने बताया कि कंपनी के मैनेजर ने फ़ोन करके घटना की जानकारी दी है। वहीं पंजाब पुलिस का कहना है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और किसी बात को लेकर उनमें बहस हुई थी, लेकिन मृतका के परिवार का कहना है कि सुखचैन के बारे में बलजिंदर कौर ने उन्हें कभी नहीं बताया था। आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि बलजिंदर कौर जैसे ही बस से उतर रही थी, उसी दौरान सुखचैन सिंह तलवार लेकर आदम का उसकी दोनों सहेलियां उसे बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसने ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी। सिविल अस्पताल मोहाली में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पंजाब की राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्री अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी आगे की जाँच जारी है, हत्यारे से पूछताछ की जा रही है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइन न्यू भारत।